हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल दीपक एमपी में। तो ऑन डिमांड हम कर रहे हैं आज जो है एसपी डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक देखेंगे तो वहाँ टॉपिक का नाम होता है स्ट्रीम डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्यादा ट्रेन रिलेटेड या आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रिलेटेड होते हैं, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये स्पेशली आप ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या 9th, 10th या 11th के लिए है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है, ट्रिक द्वारा सॉल्व करते हैं जिससे इजीली कितना कम समय में आपका क्वेश्चंस का आंसर आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम ट्रिक नहीं, आपको प्रॉपरली कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाले हैं कि एक्चुअल में वर्ड्स प्रॉब्लम 10 डिस्प्यूट से रिलेटेड सॉल्व होते कैसे हैं। एकदम डिटेल नॉलेज देंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। तो चलो और स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चंस में आपको कह रहा है स्पीड कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट स्पीड को कहीं दे भी नहीं रहा। यानी अगर मानते हैं कि एक पोजीशन ए है और इस पोजीशन से बी तक ट्रेन को जाना है, ट्रेन की जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है वो 300 किलोमीटर है, बट यहाँ से जो ट्रेन है इसकी स्पीड नहीं बता रहा कितनी है। तो आप इस तरीके के वर्ड्स प्रॉब्लम में जो भी वैल्यू नॉट गिवन होता है उस वैल्यू को आप लिख कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन की कांस्टेंट स्पीड होगी, यानी कांस्टेंट स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर ले लिया हमने। जब हम इसका एक्स किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड लिख कर लेंगे तब हमें ये देखना है कि स्पीड इक्वल क्या होता है। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें ये चेक करना है कि अगर ट्रेन x किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड से जाएगी तो 300 किलोमीटर जाने में उसे टाइम दिया है क्या। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर एंड आवर द जर्नी वुड बी टेकन 2 आवर्स लेस। चलो देखते हैं, तो लिखेंगे लेट कांस्टेंट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ले लिया, लेट कर लिया। तो हमें ये देखना है कि इसको ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर। ओके, तो अब आप इसको मान लेते हैं टाइम t1। पहला ए तो बी जाएगा t1, तो स्पीड इक्वल अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आपका डिस्टेंस देखा जाए तो 300 ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 300 है लेकिन स्पीड कितनी थी x, तो t1 इक्वल क्या आ गया 300 अपॉन x। तो देखिए अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड जो कि आपने x ले लिया। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज, अब कह रहा है कि जब आपकी स्पीड ट्रेन की x थी तब वो टाइम इतना ले रहा है, अब आप ट्रेन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं मतलब अब x नहीं रहेगा, उसमें कितना इंक्रीज किया जा रहा है 5, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो व्हेन स्पीड इंक्रीज 5 किलोमीटर, तो इनकी इन स्पीड को बढ़ा दिया गया तब स्पीड कितनी हो जाएगी, तब इसकी स्पीड हो जाएगी x प्लस 5। आप 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दो, बढ़ गई स्पीड। अब जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि अगर स्पीड बढ़ता है तो टाइम कम लगता है। आप ऐसे समझो कि अगर आप अपने होम से किसी स्कूल जाते हो और उस समय इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और आपको टाइम लगता है 5 मिनट और आप जो है स्पीड लेते हो 50। अब मुझे बताओ दूसरी जगह वापस आते हो तब आपने क्या किया, स्पीड अपनी बढ़ा दी, आपने स्पीड 70 की कर दी, किलोमीटर पर आवर की कर दी, तो जाहिर सी बात है अब ये जो टाइम है ऑटोमेटिक टाइम जो t2 होगा 5 नहीं लगेगा, 5 से क्या लगेगा, कम लगेगा, 5 से कम लगेगा। तो जब स्पीड बढ़ता है तो डिस्टेंस कम हो जाता है और टाइम कम हो जाएगा। तो यहां सब देखेंगे कि टाइम टेकन बाई ट्रेन, अब टाइम टेकन बाई ट्रेन वो मान लेते हैं दूसरा टाइम उसका t2 है, अगेन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम है आपका,
तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी भी डिस्टेंस तो 300 ही है, उसने डिस्टेंस बदला थोड़ी ना है, बस उसने कहा कि स्पीड इंक्रीज की है, डिस्टेंस को कोई चेंज करने की बात ही नहीं कर रहा क्वेश्चन में। तो जब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो स्पीड आपकी डिस्टेंस वही रहेगा, लेकिन स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। अब यहां सोचने वाली बात है कि बीच में ये आपका रफ वर्क है, कौन बड़ा होगा, टी वन और टी टू में कौन बड़ा होगा, आपको देखना है। अब समझो, आप ऐसे समझो कि आपने कहा टी वन में स्पीड एक्स थी तो टी वन टाइम लगा और स्पीड बढ़ जाएगी तो टी टू टाइम लगा, स्पीड बढ़ने पर टाइम टी टू, ये बताओ टी टू बढ़ेगा कि घटेगा। जब स्पीड आपका बढ़ेगा तो टी टू कम हो जाएगा, इसका मतलब स्पीड बढ़ने पर टी टू क्या हो गया, छोटा हो गया, और टी वन क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर हो रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो कि आप अपने एक घर से यही वाला होम से यहां जाते हैं तो आपको लगता है 5 मिनट, ठीक है। अब आपने स्पीड कम बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है 5 नहीं लगे, हो सकता है 3 मिनट लगे या हो सकता है 2 मिनट लगे। इसका मतलब जो दूसरा टी टू है वो बड़ा हो जाएगा और टी वन, तो टी टू बड़ा हो जाएगा और टी वन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस केस में भी जब तुमने स्पीड बढ़ा दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, ये छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो टी वन आपका बड़ा हो गया और टी टू क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो कह रहा है ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या था, एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 300 किलोमीटर जाएगा तो टाइम ये लग रहा था, जब इसका स्पीड बढ़ा दिया एक्स प्लस फाइव तब उसका जो है 300 किलोमीटर में टाइम जाने में इतना लगा। तो इसका मतलब है इस प्रोसेस में दोनों आने में और जाने में कितना डिफरेंस दे रहा है, कह रहा 2 घंटे कम टाइम लग रहा है। कितने घंटे टाइम कम लग रहा है, 2। इसका मतलब क्या है, दोनों के टाइम डिफरेंस कितने दिए हैं, 2 किलोमीटर, 2 आवर्स दिया है। इसका मतलब टी वन माइनस टी टू इक्वल 2 आवर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का टाइम का गैप इतना है। नहीं समझो तो यहां समझो, मैंने कहा ना जैसे जाने में सिर्फ टी वन लगा और वापस आ रहा है टी टू लगा, तो दोनों का गैप दे रहा है कि दोनों का गैप दे रहा है, तो टी वन माइनस टी टू आप कर देते हो जी, एक यहां गलत हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू आपने कर दिया जी, टी वन माइनस टी टू कर दिया आपने, जो डिफरेंस आएगा, मान लो अगर यहां 3 जा रहा है, 3 मिनट, 5 मिनट जा रहा है, यहां 5 मिनट थोड़ी जाएगा, उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा जो दिया है, यहां पर क्या हुआ टी वन माइनस टी टू क्या हुआ, 2 आवर। लेकिन यहां यही ध्यान देना है कि किसमें से किसको माइनस करने है, स्पीड बढ़ते ही टाइम कम हो जाएगा टी टू, इसलिए टी टू छोटा है और टी वन बड़ा है, इसलिए टी वन माइनस टी टू करो। अगर आप टी टू माइनस टी वन कर दोगे तो क्या होगा, आंसर तब भी सही रहेगा, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, और वो क्या लिखनी पड़ेगी, पहले हम इसे करते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए अब टी वन की वैल्यू आपके पास कितना है, 300 अपॉन एक्स, टी टू की वैल्यू कितनी है, 300 अपॉन एक्स प्लस फाइव, और इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 2 आवर्स। अगर आप 300 कॉमन ले लें तो क्या होगा, 300 कॉमन लेते ही आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, और आप क्या करिए यहां पर 2 रखा है, 2 से कट कर दो तो कितना है, 150 आया। अब आप एलसीएम लीजिए तो हमारे पास स्पेस कम है, तो हम इसको क्या करते हैं, अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, दिया हुआ है 150, 150 अगर इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 150 होगा, तो यहां पर आ गया 1 अपॉन 150, ठीक है। और यहां दिया है आपका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का आएगा x plus 5 और x दोनों एलसीएम होंगे, तो जब आप एलसीएम लेंगे x, x plus 5, तो नोटिस करिए x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल, x plus 5 का यहां मल्टीप्लाई क्रॉस कर दो, x plus 5 और माइनस आपका x, x x कैंसिल, 150 का इसमें कर दीजिए तो 75, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ये 75, लेकिन इसका इसमें करेंगे तो अंदर से फर्क नहीं पड़ेगा, तो x का x में, x स्क्वायर x का 5 में, 5x और ये आपका 5x हो गया। अब आप इस चीज को साइड ले जाइए तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, कई बार बताया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो आप डायरेक्ट x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जिसे आप जीरोज या रूट्स कहते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 नंबर सर्च करिए जिनका मल्टीप्लाई 75 आए, तो 35 टू जा 75 और 35 टू जा 70 होता है, तो 75 आना चाहिए, तो चलो देखते हैं 35
और ये 20, चेक करिए आएगा नहीं आएगा तो हम इसका देख लेते हैं क्या आने वाला है। कितना एलसीएम ले लीजिए, 2 और एक काम कर लेते हैं, एक मिनट 25 3 सेट हो गया। देखिए 25 3 75 और एक जीरो बढ़ जाएगा तो 75, और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 750 आएगा, लेकिन कंडीशन है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने में प्लस आना चाहिए, तो आप इसे प्लस लेंगे और इसे क्या लेंगे माइनस। अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे जिसे आप जीरोज कहते हैं, जिसका ट्रिक क्या होता है, देखिए जीरोज ये होता है काफी साइन अपोजिट वैल्यू, तो -30 और +25, यानी एक्स की वैल्यू आ गई -30। एक्स क्या था, स्पीड थी, स्पीड किलोमीटर पर आवर, और एक आपका आ गया 25 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारा स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला जो वैल्यू है इसे आप कहेंगे कि ये इनवैलिड है। अगर ये इनवैलिड हुआ तो वैलिड ये हुआ, तो आंसर क्या हो गया 25 किलोमीटर पर। कहने का ये मतलब था कि पहले केस में ट्रेन को 25 किलोमीटर पर एक आर के हिसाब से चलेगा, तब वो जो है 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। और दूसरे वाले में देखो 30 में जोड़ दो तो 25 में 5 जोड़ दो तो उसे 30 के हिसाब से जाएगा, तब उसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस स्पीड लगाते हैं। लेकिन अब आपको मैं समझाता हूं, अगर मैं T2 माइनस T1 करता तो क्या, क्लियर। तो चलो अगर मैं यहां सरफ कर दूं और मैं ये बोलता कि यही करते हैं, अगर आप इसे माइनस करते इसे प्लस होते, ये माइनस होता ये प्लस होता, इसके अकॉर्डिंग ये माइनस होता, ठीक है। या चलो हम ऐसा करते हैं, ये माइनस होता और ये प्लस होता, फिर यहां क्या होता, ये माइनस होता ना, और ये भी ये माइनस होता, ये भी माइनस होता, और ये क्या बन जाता, प्लस बन जाता। अब आप देखो एक्स एक्स कैंसिल, यहां आता -5, इसका इसमें करते -175, ये -175 हो जाता, क्या होता प्लस हो जाता। तो बताओ क्या ये फैक्टर पॉसिबल है, चेक करो 25 30 इनका मल्टीप्लाई करके पर ही जीरो होना चाहिए, कोई ऐसा फैक्टर बनेगा, तो इसलिए आप वहां गलती कर जाएंगे। समटाइम्स होता क्या, मैंने कहा था कि समटाइम्स क्या होता है, आपका सॉल्व होगा, लेकिन पता क्या है, तब वहां जो टाइम वही आता है ना, टाइम निगेटिव आने लगता है, अपोजिट साइन आने लगता है, अपोजिट साइन बस ये इंडिकेट करता है कि आपने क्या कर रखा होगा, साइन इनवर्स ले रखा है, इसलिए ऐसा होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं कोई एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, चलो लेट्स डू। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर रखा है, तो हमने जानबूझकर ऐसे लिए जिससे आपको सिखाया जा सके कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को समझना कैसे है। देखिए कितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम हो, अगर आप उनके गिवन लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो वर्ड्स प्रॉब्लम करना बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस अ ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन, एक ट्रेन है जो 3 घंटे कम टाइम लेती है, देन अ स्लो ट्रेन, यानी यहाँ आपके पास एक स्लो ट्रेन है और एक दूसरी ट्रेन है जो क्या है आपकी फास्ट है, ठीक है। अ ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन द स्लो ट्रेन, दो तरह की ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन की बात कर रहा है और एक स्लो ट्रेन की बात कर रहा है। तो मैं यहां आपको समझाता हूं, ध्यान देना, पहली कंडीशन के इस अकॉर्डिंग में अगर ये लेट कर लेता हूं, लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, अगर हम ये कहें कि एक फास्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड हम मानते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर, ओके, और एक स्लो ट्रेन है, तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, ओके, ये मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर, दो अलग अलग ट्रेन है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। अब दोनों कह रहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 6 किलोमीटर, तो इस ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो भी कितना होगा दोस्तों, 600 किलोमीटर होगा, और इसके द्वारा भी जो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो भी कितना होगा दोस्त, तो आपका 600 किलोमीटर होगा। लेकिन ये जाहिर सी बात है, अगर स्पीड डिफरेंट है दोनों ट्रेनों की तो आपको क्या मिलेगा, टाइम इंटरवल डिफरेंट होगा। हर बंदा ये चाहता है कि स्पीड जितनी ज्यादा फास्ट होगी, जैसे आजकल आप जान ही रहे हैं
सुपर फास्ट ट्रेनें आ गई हैं, वंदे भारत आ गया, 2.0 वर्जन आ गया, अभी आपका देखो नया रूट मैप भी शुरू हो गया, उत्तराखंड के लिए भी चल रही है ट्रेनें, का उद्घाटन हो चुका है। अब जो 4-4, 5-5 घंटे नॉर्मल ट्रेन ले रही थी, ये 3-3.5 घंटे में पहुंचा रही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है देन जो पहले ट्रेनें चलती थी। सेम क्वेश्चन से यहाँ रिलेट कर रहा है आपका कि पहले जो ट्रेन थी, ट्रेन फास्ट चलेगी तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम कम लगेगा, तो हम ये पहले निकाल लें कि ये टाइम कितना लगेगा। तो आपके पास क्या दिया हुआ है? स्पीड दी हुई है। आपके पास क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। तो टाइम टेकन सिंपल T1 मान लो, हम कॉलम अलग कर दिया इसलिए अब ये नहीं लिख रहा हूं कि ये फास्ट ट्रेन की स्पीड है, कॉलम अलग है तो मींस फास्ट ट्रेन की स्पीड है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसका डिस्टेंस तो आपका 600 किलोमीटर ही है लेकिन स्पीड कितनी मान ली? x। तो आ गया पहली कंडीशन। अब आप मुझे ये बताओ, इसी तरह अगर मैं इसका निकालता कि टाइम ये कितना लेगा, स्लो वाला टाइम टेकन, इसके टाइम को मान लेते हैं T2, तो आपको लगेगा क्या y डिस्टेंस कितना है 600 और y कितना है आपका और स्पीड कितना है। लेकिन आपने कहा है ये स्लो चल रही है, स्लो चलने का मतलब हो गया कि आपका जो T2 है वो बड़ा हो गया होगा और T1 क्या रहा होगा? छोटा रहा होगा, क्योंकि ये ट्रेन ज्यादा तेज चल रही तो टाइम कम लेगा। लेकिन उसने ये आगे पढ़ो, देखो क्या कह रहा था कि ये ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन द स्लो ट्रेन। स्लो ट्रेन से 3 घंटे क्या करता है? लेस लेता है। कौन? ये वाला ले रहा होगा, 3 घंटे कम टाइम ले रहा होगा ना, क्योंकि इसने कहा है कि जो फास्ट ट्रेन है स्लो ट्रेन से 3 घंटे कम ले रहा है। तो यानी कंडीशन ये हुआ कि दोनों के टाइम का डिफरेंस, इसके और इसके टाइम का डिफरेंस तो बड़ा कौन था? T2। तो T2 और T1 का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना दे रहा है? 3 आवर्स। अब आप नोटिस करो, T2 की वैल्यू कितनी है? 600 अपॉन x, T1 की वैल्यू कितनी है? 600 अपॉन y, और यहां कितना ले लिया जाए? अब आपका जो है T2 की वैल्यू 600 अपॉन y है और ये T1 की वैल्यू है 600 अपॉन। अब आप यहां से 600 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा? 1 upon y minus 1 upon x is equal to 300, 300 बनता 300 इधर 200, और ये मल्टीप्लाई करेगा आपकी डिवाइड, और यहां एलसीएम ले लीजिए, चलो रहने देते हैं, 1 upon y minus 1 upon x equal 1 upon 200, इक्वेशन 1। देखिए पहला वाला जो मैंने कंडीशन सॉल्व किया था उसको सॉल्व किया था बाय क्वाड्रेटिक के तरीके से कर दिया। अब इसमें मैंने दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दी, एक तो बन गया, दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि अगर इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन द फास्ट ट्रेन, यानी जो ये स्पीड है ट्रेन की ये 10 किलोमीटर कम है किससे? फास्ट ट्रेन से। तो यानी y इज लेस 10 लेस देन फास्ट, यही मीनिंग है कि नहीं बताओ? y वाली स्पीड इस वाले ट्रेन से कितनी कम है? 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर लेस देन फास्ट ट्रेन। तो अगर मैं फास्ट ट्रेन से 10 कम कर दूंगा तो किसी स्पीड बराबर आएगी? स्लो वाले की। तो अब ये y की इक्वेशन बन गई है। तो दूसरी कंडीशन है AT2। जब दूसरी कंडीशन आपकी आ गई तो ये वैल्यू y की यहां पुट की जा सकती है, और जैसे आप यहां पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 upon x minus 10 minus 1 upon x equal 1 upon 200। अब आप एलसीएम लीजिए, x minus 10 into x, यहां से x minus 10 कैंसिल, x x1 जा x, यहां x से x कैंसिल, ये माइनस लगा तो इनके साइन को बदलेगा, माइनस x प्लस 10 करेगा, और यहां क्या है 1 upon 200। इस चीज को अब आप यहां देखिए, ये x x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0, जब आप इसका इसमें करेंगे तो 210 जा 2000 बन जाएगा 2000। और यहां देखिए इसका इसमें x स्क्वायर, लेकिन 1 जा मल्टीप्लाई तो अगेन x स्क्वायर रहेगा, x का 10 में 10x माइनस माइनस 10x। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को साइड ले जाइए, तो आया x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 200 इज इक्वल टू कितना? 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गया। तो डिपेंड करता है, मेरा बताने के मतलब है कि डिपेंड करेगा बच्चों क्वेश्चन कि आप समझ कैसे रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप वन वेरिएबल में करें, आप टू वेरिएबल में भी कर सकते हैं। टू वेरिएबल में करेंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा और उसे आप सब्स्टिट्यूशन रिडक्शन किसी से भी कर सकते हैं। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दिया। अब आप देखो इसके दो फैक्टर ढूंढो तो जिनका मल्टीप्लाई कितना आ जाए, देखो 54 जा 200
अगर 50 into 40 कर दूं तो 2000 आएगा। अब इसका मतलब मैंने ट्रिक बताया था, अगेन वही ट्रिक अप्लाई करिए, डायरेक्ट दो सेकंड में आएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होगा तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में आप ऐसे करिए, दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई 2000 आए, ऐड सबट्रैक्ट करने पर 50 और 40 आए। तो अगर मैं -50 और +40 लूंगा तभी -10 आएगा। जब आप इसका साइन मेंशन करते हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करते वक्त साइन नहीं देखने की जरूरत है। अब आया ना, अगर मैं x की वैल्यू बताऊं तो x की वैल्यू +50 हो जाएगा और -40 हो जाएगा। लेकिन आप ये बताओ ये किलोमीटर में है, तो अब आप मुझे बताओ स्पीड कभी तो माइनस होती नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, x किलोमीटर +50 x इक्वल 50 किलोमीटर पर आवर इज वैलिड आंसर, वैलिड होगा ना, और ये आपका इनवैलिड होगा। रीजन आपको बता दिया कि स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती। अब आपका x 50 आ गया, आप दूसरे ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, क्योंकि कह रहा है ना बताइए तो फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन की। तो ये x की स्पीड थी, देखो फास्ट ट्रेन की स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर थी। अब हम स्लो की निकालते हैं, यहां x की वैल्यू रखो, 50 - 10 कितना आने वाला, 40, यानी 10 किलोमीटर का डिफरेंस था। यानी ये फास्ट ट्रेन 50 किलोमीटर से चलेगी, तो ये जो ट्रेन है ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रन कर रही है, तब इनका टाइम डिफरेंस कितना। क्लियर, चाहो तो आप टाइम भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन ऐसे भी बढ़ा सकता है, इसमें आपको इंक्रीज कर देगा। क्या इंक्रीज करेगा, फाइंड ऑल्सो टाइम, फाइंड टाइम। चलो मैं दिखाता हूं आपको, समझाता हूं कि टाइम कैसे निकलेगा। आप देखो आपके पास टाइम का एक डेटा पहले दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपका प्रॉपर सॉल्व हो चुका है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, बट मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ कैसे टाइम निकलेगा। T2 की वैल्यू देखो क्या आपने कहा, T2 की वैल्यू है 600/y। अब नोटिस करो, अगर y की वैल्यू 40 रख दी जाए, यहाँ पर 40 रख दी जाए तो आपका T2 आ जाएगा, तो एक से एक कैंसिल, कितना 15 R, यानी स्लो ट्रेन 15 घंटे ले रही है। T2 किसका टाइम है, स्लो ट्रेन का, स्लो ट्रेन 15 घंटे लेगी 600 किलोमीटर जाने में, और स्पीड क्या होगी उस समय उसकी, 40। क्रॉस चेक करो, चलो क्रॉस, अच्छा चलो पहले T1 निकालते हैं। अब और जाओ यहां पर, T1 इक्वल आपने बताया, यहां देखो दोनों का डिफरेंस कितना, 3 घंटे। तो अगर आप देखो T2 माइनस T1 का डिफरेंस आपने बताया 3 घंटे, लेकिन T2 आपके पास कितना है, 15 घंटे, माइनस T1 इक्वल 3, तो T1 को साइड ले जाइए, इसको इधर लाओ, तो 15 + 3 = 18 लग जाएगा T1। T1 कौन, कुछ गलत हो रहा है, एक सेकेंड, ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, ये माइनस उधर जाके क्या होगा प्लस, तो कितना आया 12 घंटे। कैसे पता दोस्तों हमें गलत तो हो गया हमारा, आप ये बताओ, जब ये स्लो चल रही थी इसका टाइम ज्यादा आना चाहिए था, ये भी आपको समझना होगा, गलती कैसे पकड़ लेते हैं। ये ट्रेन स्लो का टाइम है 15 hours, ये बताओ जो फास्ट चलेगी उसका 18 कैसे हो सकता है, 18 हो नहीं सकता, इससे आप समझ जाएंगे कि आपका गलत है 12 घंटे। अब मैं एक और क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ। अब मैं ये मानता हूँ कि टाइम आपको दिया है, फास्ट ट्रेन जो है 12 घंटे की स्पीड से चलती, तो 12 घंटे टाइम लेगी, और उसका स्पीड कितना निकल रहा है 50, तो देखो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस आता है। चेक करो इस वाले ट्रेन के लिए स्पीड कितना है आपके पास, x कितना है 50, और टाइम कितना निकाला आपने 12, चेक कर लो इनका मल्टीप्लाई 600 आ रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक करो 600 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब परफेक्ट क्रॉस चेक हो रहा है कई तरीके से। ऐसे यहां चेक करो, मान लेते हैं कि इसका स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्लो ट्रेन के स्पीड इनटू टाइम को क्या लिखोगे, डिस्टेंस, स्पीड कितनी है स्लो ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर ले लीजिए, पर टाइम कितना लिया है आपने उसके लिए 15, फिर मल्टीप्लाई करिए देखिए 600 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब दोनों तरीके से आपने चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया आपने, वेरीफाई कर लिया, टाइम भी निकाल लिया आपने, ओवरऑल आप अगेन एग्जाम में कैसे कर सकते हैं क्रॉस चेक, आपका क्वेश्चन परफेक्ट करेक्ट है या नहीं। यानी कहना ये चाह रहा हूं मैं कि मैथ्स के क्वेश्चन का 90% आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एग्जाम में, 100% आप श्योर होकर आ सकते हैं कि आपका कितना नंबर आने वाला है बोर्ड एग्जाम में या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्रॉस चेक कर लीजिए टाइम है आपके पास। क्लियर, तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन और, मोर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड उसे कहते हैं जब स्पीड बदले ना, कांस्टेंट रहे, ठीक है,
तो मान लेते हैं कि आपका जो ट्रेन है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ली, तो अब उसे कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 10 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस मोर देन टू कवर। अगर आपका कवर सेम डिस्टेंस, यानी समझो ऐसे कि अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस सेम है। पहले केस में ट्रेन की स्पीड अगर आप x लेते हैं तो इसे ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ट्रेन को टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन ट्रेन के द्वारा बाय ट्रेन। तो हम अब इस बार डिस्टेंस भी नहीं, इस आपको डिस्टेंस नहीं दिया है, हम क्या करते हैं लेते हैं स्पीड, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ए से बी तक की डिस्टेंस हमको डी ही लेना है। डिस्टेंस भी नहीं दिया है, टाइम भी नहीं दिया, स्पीड भी नहीं दिया है। तो मान लेते हैं स्पीड x है और डिस्टेंस d जाएगी, तो टाइम को लेते हैं t1 और डिस्टेंस को d और स्पीड को क्या माना x। अब उसने ये कहा अगर स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, पहले x थी, अब दूसरा केस देखो, अगर हम स्पीड को 10 किलोमीटर कम कर देंगे, ठीक है, तो अब हम करेंगे इसको टाइम टेकन कितना होगा इफ स्पीड लेस 10 किलोमीटर। तब देखो टाइम टेकन t2 ले लो, अब टाइम लेगा, ये डिस्टेंस तो सेम कह रहा है, उसने कहा है कंडीशन तो कहा है कि आपका जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो डिस्टेंस भी ही रहेगा, लेकिन अब आपका स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 10। अब आप बताओ t1 और t2 में कौन बड़ा होने वाला है, जब आप स्पीड कम कर रहे हैं तो t2 ज्यादा होगा और t1 क्या होगा कम होगा, इसलिए t2 बड़ा हो गया और t1 कम। और यहां देखो क्या कह रखा है कि दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना, यानी जब स्पीड कम कर दो तो ये 3 घंटे ज्यादा लेता है, किससे इससे। तो या तो आप ऐसे सॉल्व करो कि t2 जो है t1 से 3 घंटे ज्यादा लेता है, ऐसे बोलो, या फिर पहले दो क्वेश्चन मैंने कैसे कराए दोनों का टाइम गैप कितना है 3, आप इसको इधर लेके आओ तो क्या मिला t2 माइनस t1 बड़ा है t2 से t1 माइनस कर दो, दोनों का गैप कितना है 3। तो बेसिकली आप ऐसे कर दो या ऐसे, अब आप मैंने डायरेक्ट करा दिया स्टेटमेंट, तो सिखा चुका हूं कैसे लिखना है। तो यहां कितना आया 3, अब t2 की वैल्यू कितनी है d अपॉन x माइनस 10। या एक काम करते हैं रुक जाइए चलो ठीक है, यही करते हैं t2 माइनस t2 बड़ा है t2 माइनस t1 की वैल्यू कितनी हो गई यहां से आपके पास 3। t2 की वैल्यू है d अपॉन x माइनस 10 और t1 की वैल्यू है d अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब आप d ऐसे आएगा, x अननोन है, तो आप क्या करें यहां से दो इक्वेशन बना दें, ट्रेन ट्रेवल सर डिस्टेंस डिस्टेंस बच्चे दे रखा है, हमने मिस कर दिया 480, यहाँ क्या रखिए 480, यहाँ रखिए 480, यहाँ भी रखिए 480, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 480 क्लियर। अब आप 480 कॉमन लीजिए तो 1 अपॉन x माइनस 10 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3, 3 से कट कर दो 16, 3 जा 160, ये मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, तो बेसिकली क्या आने वाला देखें 1 अपॉन x माइनस 10 माइनस 1 अपॉन x, और ये जो 160 है उस साइड जाके डिवाइड होगा तो 1 अपॉन 160। अब आप क्या करें एलसीएम लीजिए, यहाँ आएगा x माइनस 10 और ये हुआ x, x से माइनस 10 कैंसिल, x x बन जा x माइनस x x कैंसिल x माइनस 10 बन जा, यानी कि यहाँ साइन बदल जाएगा, ये कैंसिल और यहाँ कितना। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होने वाला है 160, तो ये 1600, इधर कितना होने वाला है x
स्क्वायर माइनस 10 एक्स, इसको उस साइड ले जाओ, तब यहां से देखो क्या बनने वाला है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 160 इतना। अब आप दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई हो 1600 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 10, ठीक है। तो 40 तो आपका आएगा 480 है 16 ठीक है ठीक है, आपका करेक्ट है। चलो फैक्टर निकालते हैं, 1600 है, अगर आप इसके दो फैक्टर ढूंढें 120 मल्टीप्लाई 90 आ जाएगा। चलो देखते हैं कितना हो रहा है, 2 किया 100 किया 2 किया 50 आया 5 किया 10 आया 5 और 2, तब इनके दो फैक्टर ढूंढ गए हैं आपको, ठीक है। तो यहां से फैक्टर अगर हम ढूंढें नहीं आएगा 10, ठीक है। तो यहां पर भी हमने एक और गलती कर दी है, टाइम जो आपका डिस्टेंस कम कर रहा है तो वो 8 कम कर रहा है, यहाँ 8 आता तो यहाँ पर कितना आता 8 आता, तो यहाँ भी कितना होता 8 आता, और यहाँ भी कितना होता 8 होता, तो यहाँ भी कितना आता 8 होता, और यहाँ आता 128, क्योंकि 16 जब 180 और यहाँ होता आपका x square माइनस 8x, यहाँ आएगा माइनस 8x। अब आपका बनेगा ये 40 माइनस 40 प्लस 32, चेक करिए, और यहाँ हो जाएगा 1280। कैसे, अब देखो अगर 40 और 32 को मल्टीप्लाई करो 4 2 8 4 3 12 ये आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर से वही ट्रिक अप्लाई करेंगे कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद इनका 1280 आएगा, और इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 8 आए, तो आ गया, यानी x की वैल्यू आएगी एक बार प्लस 40 और एक माइनस 32, यानी ट्रेन की स्पीड क्या आएगी प्लस 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपका ट्रेन का प्रॉपर स्पीड हो जाएगा। थोड़ा सा एरर हो गया वहां पे, मिसप्रिंट हो गया लेकिन उससे, तो ये आपका प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। तो हम इस तरीके से आसानी से प्रॉपर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे, मेहनत करते रहिए।